हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम हेल्दी और टेस्टी सुपर डिलीशियस बादाम मिल्क शेक। बादाम मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन। इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध, 1/4 कप दूध अलग रख लेंगे। अब लो मीडियम फ्लेम पे दूध में एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है 15 से 16 बादाम। इसे मैंने पूरी रात पानी में भिगोकर रख दिया था और अब इसका छिलका निकाल लिया है। इसे डालेंगे एक मिक्सर जार में और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच दूध ताकि ये अच्छे से पीस जाए और अब इसे हल्का दरदरा पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दरदरा पीस लिया है। अब इसे साइड में रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इधर दूध में एक अच्छा सा उबाल आ गया है। अब इसे लगभग 20% गाढ़ा कर लेंगे। A few moments later. और अब इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच कूटी हुई इलायची। इसे मिक्स कर लेंगे। और आप बचे हुए दूध में डालेंगे 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इधर दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। और आप गैस को कर देंगे लो और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड वाला दूध डालेंगे और इसे एक हाथ से चलाते रहेंगे। इसे एक बार में बिल्कुल ना डालें। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और अब गैस को कर देंगे मीडियम और अब इसे चलाते हुए थोड़ी देर पका लेंगे। और अब इसमें डालेंगे लगभग 4 चम्मच चीनी और इसी के साथ इसमें डाल देंगे बादाम का पेस्ट। अब इसे 2 से 3 मिनट और पका लेंगे ताकि बादाम का फ्लेवर अच्छे से दूध में मिल जाए। A few moments later. देखिए फ्रेंड्स, दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, नहीं तो ये ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और अब इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर लिया है बारीक कटी हुई बादाम, काजू और थोड़ी सी पिस्ता। अब इसे 1 मिनट और पका लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स हल्का सा नरम हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, इसे 1 मिनट और पका लिया है और अब इससे ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करेंगे। अब गैस को बंद कर देंगे और अब इसे एक बॉल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब बादाम मिल्क शेक बनकर बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।